4 है, हुण इहना चो जिहड़ा 5834 चो छोटा केड़ा 3 वाला छोटा है, तो इट मीन छोटी केड़ी होगी 4370, आपां उत्थे सर्कल लगाता सेम एज इट इज। इहदे देखो सारे अक्षर जिहड़े पहले डिजिट 2 2 2 2 फिर 5 5 सारे च 5 5 है, हुण थर्ड डिजिट जिहड़ा सारे च 2 2 इह वी सेम है, हुण फोर्थ डिजिट जिहड़ा वेरी कर गया इह 8 है, इह 4 है, इह 2 7 है, ते 1 है। हुण इहना च 1 7 4 8 च छोटा केड़ा है 1 वाला, तो आपां इहनूं रकम नूं की है सर्कल करता है, छोटी संख्या सब तो वड्डी संख्या ते गोला लगाओ केरी ग्रेटेस्ट नंबर है। हुण ग्रेटेस्ट आपां इच वड्डी लभनी है नैचुरली, हुण तुहानूं लगे इह 4 अक्खरां दा है, इह 2 अक्खरां दा, इह 4 है ते 3 अक्खरां दा है, आपां सब तो वड्डी है इट मीन जिहड़ी 5 अक्खरां वाली जिहड़ी संख्या है सारां नालों की होगी वड्डी आ जाएगी अपने कोल। नैक्सट आपां इहदे च वी देखो इसे तरह ही है, आह वी 4 अक्खरां दा, इह वी 4 अक्खर दा, इह वी 4 डिजिट दा, इह 3 डिजिट दा, इह 5 डिजिट दा, इट मीन की है इह वाली वड्डी संख्या आ गई, आपां उत्ते सर्कल लगाता। अगला हैगा बगैर दोहराउंदे विदाउट रिपीटिंग, आपां इन्ह अंकों की वरतों करते हो, 4 अंकों की सब तो छोटी संख्या बनानी है। थोड़ा मैं कल भी दस कि जी छोटी संख्या किए बननी होंगी है कि उन्होंने पहला आप सब तो पहला छोटी फिर उस तो बाद वड्डी वड्डी मतलब की है वधे क्रम च लिखना होंगे। हम आपको पहला सब तो छोटी केड़ी है 1, फिर उस 4, फिर 7, फिर 9 ये बन गई अपने को छोटी संख्या बन गई, ठीक है 4 डिजिट दी विदाउट रिपीटिंग। अगो फिर उही सवाल है बगैर दोहराते हुए इन्हों तो 4 अंकों की सब तो वड्डी संख्या बनाओ, हुण आपां इत्थे वड्डी संख्या बनानी है, वड्डी वाले पहले सब तो वड्डी लिखी हुंदी है, सब तो वड्डी केड़ी है 5, फिर उस तो बाद 4, फिर 3, फिर 0, इन्हों आपां घटदे क्रम च लिखना हुंदा है, ठीक है छोटी वेले की है वधदे क्रम च लिखना हुंदा है, तो वड्डी वेले आपां घटदे क्रम च लिखना हुंदा है। इन्हां चित्रां नूं ध्यान नाल समझण ते उपरंत हेठ लिखे सवालों की उत्तर देने आपां। हुण देखो राम किन्ने सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर दा, डोली किन्ने दी 154 सेंटीमीटर दी है, मोहन 158, अगों शमी हैगा 169 सेंटीमीटर दा। हुण इन्हां चों दसणा सब तो लंबा कौन है, जिहदी लंबाई सब तो वड्डी उह लंबा होगा, सब तो वड्डा किहड़ा हैगा, इन्हां चों लंबा किहड़ा 160 वाला, मतलब आपां किहड़े कौन है राम, राम सब तो वड्डा है। उहदे बाद सब तो छोटा कौन है, जिहदी लंबाई छोटी है, इन्हां सारे चारों चों छोटा किहड़ा है 154 वाला, उह कौन है डोली, डोली सब तो छोटी है, ठीक है। हुण इन्हां च की है इन्हां दी लंबाइयां नूं वधदे क्रम च लिखना, वधदे क्रम च मतलब पहला सब तो छोटी, सब तो छोटी कौन सी डॉली, आपां पहला लिखांगे इन्हां दा, आपां लंबाइयां लिखदे 154, फिर उद्दू बाद 154 बाद 158, फिर 159, फिर कौन 160, फिर आपां इन्हां दे नाम भी मैंशन कर देंगे, लंबाइयां नूं आपां लिख देंगे, पहले नंबर ते कौन आ जाएगा डॉली, फिर कौन आ जाएगा मोहन, फिर कौन आ गया शमी, फिर कौन आ जाएगा राम, इस तरह आपां लिख सकते इन्हां नूं, ठीक है। नैक्सट है इन्हां दी लंबाइयां नूं घटदे क्रम च की आपां उधरों शुरू कर देंगे, पहला लिख देंगे 160, फिर 159, ठीक है 158 ते 154, अगर उल्ट पिछे शुरू कर देंगे राम शमी मोहन ते डॉली, ठीक है समझ आ गई तुहानूं। अगला कॉलम आपां मैच करने हैं, रोमन अंकन दिते अपने कोल, रोमन जिहड़ा एक्स हुंदा उह किहनूं डिनोट करदा हुंदा है 10 नूं, तां आपां इहनूं 10 नाल मिला देंगे 10, अगर डी किहनूं डिनोट करदा हुंदा है, डी आपां नूं 500 नूं डिनोट करदा है, डी नूं आपां 500 नाल मिला देंगे। एल कौन हुंदा, एल हुंदा 50 50, आपां 50 नाल मिला देंगे, सी हुंदा 100, आपां इहनूं 100 नाल मिला देंगे, अगों एम किहना हुंदा, एम हुंदा 1000, आपां इहनूं 1000 नाल मिला देंगे, ठीक है इस तरह मिलान करने हैं। नैक्सट आपणे कोल हैगा हेठ लिखिआं विचों संख्या विचों उस संख्या ते गोला लो जो भारतीय संख्या लेखन प्रणाली विच दर्शाया गया है, अपने भारतीय लेखन प्रणाली विच कहिंदा पहला 3 बाद कौमा हुंदा, फिर उस तों बाद 2 बाद कौमा हुंदा है, हुण देखो किहड़ा, हुण देखो इत्थे 3 बाद कौमा, फिर उस तों बाद 3 बाद कौमा आ गया, इट मीन इह अंतरराष्ट्रीय है, हुण इहदे च वेखो 3 बाद फिर 2 बाद आ गया, इह भारतीय है, है ना, इहदे च 2 बाद कौमा नहीं, पहला 3 बाद कौमा हुंदा है, तां इट मीन हुण आह वी है नहीं, क्योंकि 3 बाद कौमा इह वी अंतरराष्ट्रीय है, इह तां है ही गलत, इह किसे च नहीं आउंदा गा, अपने कोल किहड़ा आ जूगा, इह वाला आ जूगा भारतीय लेखन प्रणाली विच, पहला 3 बाद कौमा फिर 2 बाद कौमा, ठीक है। हेठ लिखे दे उत्तर दो, अपन एक झंडे च अपन नंबर अकाउंटिंग लिखी है 259 तो लेके 272 तक, मतलब 259 तो लेके 272 तक अकाउंटिंग दी हुई है, पता करो कहते हरे झंडे 270 की तुलना च 260 के ज्यादा नेड़े है, 260 के ज्यादा नेड़े केड़े है, वो आपको पता कि आप इस डिजिट तक देखांगे 4 तक, है ना, कि 260 के नेड़े, एक 261 तो एक 263, केड़े केड़े 261 ते 263 जिहड़े झंडे दे नेड़े है उह किहड़ा, एक ए झंडा ते एक बी झंडा, ठीक है। उदू बाद पता करो किहड़े झंडे 260 दी तुलना विच 270 दे नेड़े, 270 दे नेड़े किहड़े हैगे जिहड़े 5 तों वड्डे होगे, है ना, उह किहड़े किहड़े 267 ते 269, 70 दे नेड़े है, ठीक है, किहड़े किहड़े 267 ते 269 किहड़े किहड़े झंडे, उह सी ते डी, ठीक है अंडरस्टूड।
नैक्सट पेज आप नैक्सट है अपने को रोमन प्रणाली विच लिखो बाई है बाई नूं आपां की लिख दांगे वी प्लस दो लिखता वी आपां की हुंदा दो क्रॉस हुंदे आ ते दो दे की निशानी हुंदी है दो लाइन हुंदी है ठीक है ये अपने को की हो गया बाई दी निशानी ठीक है बाई आपां रोमन अंक जे ऐ लिखदे आ अगला चाली है चाली नूं आपां किवें लिखांगे क्योंकि तीन आप क्रॉस ला सकते हैं चार आप नहीं लगाते तो आप वास्ते की करते होंगे आप करा पंजाह माइनस दस ठीक है पंजाह माइनस दस मतलब पंजाह होंगे एल तो आह एक्स होंगे जोड़ा माइनस जो तो माइनस होली तो वह एक्स ने अगे ला जाता है आह बन जाऊ आप एक्स एल बन जूगा यह चाली की निशानी है ठीक है ठीक है नैक्सट है हिंदू अरब अरब प्रणाली में दर्शाओ यह किन्ना है हम देखो आह पंजाह तो दस साठ साठ से पांच पैंठ ये पैंठ हो गया हूँ अगला देखो पंजाह दस साठ तो आह की हुंदा नौ तो किन्ना बन गया सिक्सटी नाइन ठीक है हूँ अगला देखो जेकर राम रमन की दुकान तो दो किलोग्राम सेब एक किलोग्राम संतरे दो कंघे एक साबण खरीदता है तो वह कुल किन्नी रकम रमन नूं देनी पवेगी कुल किन्नी रकम रमन नूं देनी पवेगी देखो पहला उन्हें की खरीदया दो किलो सेब लिख लो तुसी अलग अलग फिर की खरीदया एक किलो संतरे फिर उन्हें की खरीदया दो कंघे फिर एक साबण हम आप देख लो उन्हें किन्ने रुपए दिते पहले देखो सेब की कीमत की है चाली प्रति किलोग्राम दो किलो खरीदे तो दो चाली ना गुणा करता मतलब उन्हें अस्सी रुपए के सेब खरीदे किन्ने रुपए के खरीदे है अस्सी रुपए के हम एक किलो संतरे संतरे की कीमत कितनी है तीह रुपए किलो तो एक खरीदे तो एक तीह ना गुणा कर देंगे तो तीह रुपए के उन्हें संतरे खरीदे है ठीक है दो कंघे खरीदे एक कंघा तीन रुपए का तो दो कंघे किन्ने हो जाएंगे दो तीन छे रुपए के कंघे हो गए ठीक है एक साबण साबण दे एक साबण का मुल दिता अठ रुपए तो एक साबन ही खरीदी है तो एक साबण की किन्ने की हो जाएगी अठ रुपए की हो जाएगी तो उन्हें दुकानदार नूं कुल किन्ने रुपए दिते कुल रुपए दिते किन्ने दिते अस्सी दिते एक सौ दस दस दे विच छे जोड़े एक सौ सोलह च अठ जोड़े तो कि आ गया अपने को एक सौ चौबी रुपए दिते उन्हें दुकानदार नूं ठीक है यह पहला क्वेश्चन ए पार्ट का आंसर आ गया अपने को अगो बी पार्ट जेकर राम रमन नूं 200 रुपए दिंदा तो रमन उसनूं किन्ने वापस करेगा हुण उन्हें रमन नूं दुकानदार नूं किन्ने रुपए देते दुकानदार नूं दिते किन्ने रुपए 200 रुपए ठीक है तो उन्हें मतलब कट्टे किन्ने दुकानदार ने कट्टे किन्ने 124 कट्टे तो वापस किन्ने करते उन्हें फिर तो यह मतलब कि हुंदा जिन्ने उन्हें कट ले उदू बाद जिहड़ा वह की हुंदा माइनस कर दिया हुण आपां माइनस करांगे इन्हां तों कैरी लिया दस बन गया इत्थों लिया तो यह नौ रह गया तो इत्थे की रह गया एक रह गया दसां चों चार घटाए छे नौ च दो घटाए सत्त एक च एक घटाए जीरो मतलब 76 रुपए वापस किए किन्ने रुपए वापस किए 76 रुपए वापस ठीक है समझ आई ना राजे ये थोड़े होंगे थोड़े को की है लर्निंग आउट क्वेश्चन है लर्निंग आउटकम क्वेश्चन जिम्मे थोड़े को हम अपने को नैस टैस के इस तरह के क्वेश्चन आते ऑलमोस्ट एक बर एक वड्डे बर्तन में चार लीटर 500 मिलीमीटर दही है 25 मिलीमीटर वाली समर्था वाले किन्ने गिलास इस नाल भरे जा सकते हैं हुण अपन बर्तन च देती दही किन्नी है चार लीटर 500 मिलीमीटर ते 25 मिलीमीटर वाले किन्ने हुण आपां इहनूं लीटर नूं मिलीमीटर च बदलदे हां चार लीटर का मिलीमीटर किन्ना बन जू किन्ने नाल गुणा कर दांगे हजार नाल ये बन गया 4000 मिलीलीटर ठीक है तो अपने कुल हो गया हैगी 500 होर वध दही सी तो कुल कुल किन्नी बन गई दही अपने को 4500 मिलीलीटर दही है जिहड़ी दही कौली दे विच पई हुई है तो उन्हें एक एक गिलास दे विच 25 मिलीलीटर पैंदा है तो आपां दस्सें गिलास किन्ने गिलास होंगे जो आपां नूं आपां किन्ने दी कढ़नी हुंदी बाले कढ़ने तां उदों आपां की करदे हुंदे आ तां आपां उसे दा डिवाइड करांगे हुण आपां 4500 नूं 25 नाल डिवाइड कर दांगे हुण 25 दा टेबल पढ़ांगे 25 एकम 25 25 दूणा 50 25 तीआ 75 ठीक है 25 चौका 100 हुण देखो 45 थले क्योंकि 25 जिहड़ा 45 25 तो वड्डा है ठीक है तो इत मीन आपां इत सीधे एक ते चला देंगे 25 एकम 25 हुण इत्थे आ जाएगा जीरो घटा देंगे 20 हुण 20 नहीं जांदा तां पुत्तों की तार ली जीरो ठीक है हुण आपां 25 दा टेबल अगों भी लिख सकते हैं क्योंकि 200 जांदा इस हुण आपां कोल 25 पंजा 125 25 छिका 150 25 सात 175 25 आठ 200 देखो 8 से 25 आठ 200 8 से जाऊगा 200
हूँ एक रात इतने जीरो रहेगी, उत्तों फिर आप कि जीरो तार ली, हूँ जीरो नहीं जाता आप फिर जीरो से चला देंगे 25 0 0 तो मतलब उस किन्ने गिलास भरे जाएंगे 180 गिलास दही भरी जाऊगी, इन्ने गिलास दही भरी जाएगी। हूँ घड़ी में दर्शाए हिंदू अरबी संख्या के अंक प्रणाली में दर्शाओ। हूँ अपने को दिता है इतने की टाइम बने हुआ अपने को, घड़ी विच दसाए समय नूं हिंदू अरबी संख्या अंक विच लिखा, ये जिहड़े कागज़ च लिखे रोमन अंक च लिखे हुए सारे अपने कोल जिहड़े घड़ी दे डिजिट है। हुण अपने कोल देखो इस घड़ी च किन्ना टाइम है, तीन, पहली जिहड़ी छोटी छोटी है 3 ते खड़ी है ते वड्डी छोटी जिहड़ी हैगी सूई 11 ते खड़ी है। तां इट मीन अपने कोल की आपां इस तरह दित्ता इन्हां ने रोमन दे विच इह खड़ी कित्थे जिहड़ी आपां इसे बिंदी लगा के फिर हैगी है 11 ते, मतलब की है 3:55 ये मतलब यह ही है 3:55 है। हुण इहदे च आपां सिंपल हुण इत्थों मैं उंजी लिखांगी, हुण इत्थे की है आह 9 ते खड़ी है छोटी सुई, मतलब 9:00 होए पे है, मतलब पूरे 9:00 12 ते दूजी सुई इसे पूरे 9 है। अगला की है देखो छोटी सुई हैगी 3 ते वड्डी होगी 6 ते, मतलब 3:00 होए पे है 30 ठीक है।